नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। लातेहार झारखंड में बालूमाथ झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। गुरुवार को बालूमाथ प्लस टू उवी के पास के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, इस बार के चुनाव में राज्य की जनता साथ दे और राज्य में झारखंड विकास मोर्चा की सरकार बनती है तो शिक्षित व समृद्ध झारखंड का सपना साकार होगा। उक्त बातें बाबूलाल मरांडी लातेहार विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विकास मोर्चा प्रत्याशी अमन कुमार भोक्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान बालूमाथ में कही। उन्होंने कहा कि जब वे राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे तो वे पूरी ईमानदारी के साथ राज्य का विकास करने की कोशिश करते थे। सरकार को घेरते हुए कहा कि कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसका लाभ यहाँ के लोगों को क्या मिला ये देखने वाली चीज़ है। आज राज्य में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ही पारे शिक्षकों की बहाली की थी, आज उन पर सरकार लाठियां बरसा रही है। अगर उनकी सरकार बनती है तो पारा शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों के दर्द को नहीं समझा, अब चुनाव आया है तो ठगने वाले लोग आपके बीच आ रहे हैं, वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। रघुवर सरकार ने रोजगार के नाम पर मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया, लेकिन सरकार को इससे क्या हासिल हुआ। झारखंड में उद्योग एवं विकास के नाम पर हाथी उड़ाते उड़ाते रघुवर सरकार ने करोड़ों रुपए उड़ा दिए। झारखंड का पैसा पानी की तरह बहाया। राज्य में फैक्ट्री खुलने की जगह यहाँ फैक्ट्री बंद हो रही है। उन्होंने कहा झारखंड में उद्योग पहले से लगे हुए हैं और वे सभी बंद हो गए हैं या फिर बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गरीब मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में बर्बाद हो रही हैं। आप लातेहार में ही देखें कि अगर अभिजीत और एसआर प्लांट खुल जाता तो यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौके पर जेवीएम के लातेहार विधानसभा प्रत्याशी अमन कुमार भोक्ता, जिला अध्यक्ष समसुद होदा, हैरहंज प्रखंड अध्यक्ष भूषण यादव, बालूमाथ प्रखंड अध्यक्ष सहित सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। लातेहार से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। पूछते हैं क्या होगा, हमने कहा कि इस बार के चुनाव में साथ दीजिए आप सब लोग। अब जो टेट पास किए हुए जहां पद स्थापित है वहां वैकेंट पोस्ट होगा तो उनको वही स्थायीकरण कर दी जाएगी और शेष लोगों की योग्यता के हिसाब से उनके वेतन में भी वृद्धि की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि झारखंड के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और साथ ही हमने कहा कि गरीब अमीर के बच्चे तो, पैसे वालों के बच्चे तो, अफसर और नेताओं के बच्चे तो, प्राइवेट स्कूलों में इसी का प्रत्येक साल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा भी लेगी और परिणाम भी होगा, नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब केंद्र सरकार केंद्र में जब यूपीएससी का परीक्षा प्रत्येक साल हो सकता है, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रत्येक साल हो सकता है, परिणाम और बहाली भी हो सकता है, तो फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं करा सकती और हम घर आगे दिखाई। यह मैं आज आप सबको विश्वास दिलाने के लिए आज इस देश की हालत क्या है।